आज का दिन कोटा वासियों के लिए, हाड़ौती वासियों के लिए, संपूर्ण राजस्थान के लिए और हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात के लिए अत्यधिक धर्म आस्था और जिन्होंने स्वामी नारायण जी ने इस देश में नहीं विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, अपनी तप तपस्या से, समर्पण से, सेवा से और भारत की संस्कृति को दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम किया। आज हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें स्वामी नारायण मंदिर जी का और उसके साथ साथ राधा कृष्ण मंदिर, राम परिवार, जिनकी सबसे पूजा पहले हम शुभ काम करते हैं गणेश जी, और हनुमान जी का मंदिर का सौभाग्य हम सबको मिला है। आज हमारे बीच में कानपुर मंदिर के उत्तराधिकारी लाल जी महाराज, महंत स्वामी श्री हरि कृष्ण प्रसाद स्वामी जी, कोटा के महंत स्वामी नारायण मुनि जी और समस्त स्वामी नारायण मंदिर के व सभी सेवक अनुयायी और विशेष रूप से गुजरात समाज के अध्यक्ष जी डी पटेल जी और सभी भक्तजनों श्रद्धालुओं को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य का दिन है क्योंकि मैं जब गुजरात में जाता हूं, गुजरात के बाद मैं राजस्थान सहित देश के अलग अलग राज्यों में जाता हूं और विशेष रूप से दुनिया के उन मुस्लिम देशों के अंदर जब मैं देखता हूं कि स्वामी नारायण जी का मंदिर अद्भुत रूप से वहां उस संस्कृति के अंदर भी, उस समाज के अंदर भी, केवल भारतीय समाज ही नहीं, उस देश में सभी रहने वाले उस समाज के लोगों को आध्यात्मिक धर्म संस्कृति की, भारत की धर्म आस्था संस्कृति की प्रेरणा देता है। आप विश्व के किसी भी देश में चले जाएं, अधिकतर देशों के अंदर स्वामी नारायण मंदिर मिलेगा। अभी कुछ दिनों पहले मुझे अबू धाबी में जाना हुआ, जहां पर करीबन 250 करोड़ से ज्यादा अद्भुत मंदिर बन रहा है। अभी मैं जब बहरीन गया तो वहां देखा कि वहां उस मंदिर की शिलान्यास की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये वो देश जो अरब कंट्री के देश हैं, लेकिन उस देश के अंदर भी भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, आध्यात्मिक और भारतीयों की समर्पण सेवा उस समाज के अंदर भी हमारे संस्कृति दूत के रूप में तमाम स्वामी नारायण मंदिर के शिष्य वहां पर संस्कृति दूत के रूप में भारत का संदेश पहुंचा है। ये भारत की ताकत रही है।
हमारे आध्यात्मिक, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, तप, तपस्या, सेवा और संपूर्ण विश्व को लेकर, वसुदेव कुटुंबकम हमारा, सारा विश्व हमारा परिवार है। और हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो पूरे विश्व का कल्याण हो, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। दुनिया के अंदर ऐसी संस्कृति और संस्कार भारत के अलावा कहीं नहीं मिले, और इसीलिए जहां जहां भी धर्म रहता है वहां सत्य रहता है, नैतिकता रहती है। व्यक्ति को आध्यात्मिक, जितना आध्यात्मिक होगा, जितना धार्मिक होगा, जितने आध्यात्मिक गुरुओं से आध्यात्मिक संदेश प्राप्त करेगा, वह आध्यात्मिक गुरु अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग संप्रदाय के हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय सब हमें नैतिकता, चरित्र और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और यही जीवन का सत्यार्थ है। कोई भी जीवन के अंदर कठिनाई हो, चुनौती हो, परेशानी हो, जब कभी रास्ता मनुष्य को नहीं मिलता है और जब आध्यात्मिक गुरु को सुनता है तो आध्यात्मिक गुरु उसको जीवन जीने की राह बताता, संदेश देता है। और ये जीवन जीने की राह, संदेश आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है। दुनिया भौतिक संसाधनों में हमसे आगे बढ़ गई होगी, आर्थिक रूप से भी हमसे आगे बढ़ गई होगी, लेकिन आज भी भारत के अंदर आध्यात्मिक और संस्कृति के कारण उन भौतिक संसाधनों के भोग करने वाले लोग अगर दुनिया में कहीं आते हैं तो भारत में आते हैं शांति के लिए आते हैं। और इसीलिए मेरे लिए तो विशेष रूप से बड़ा सौभाग्य है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर, जिसकी मैं बहुत सालों से प्रतीक्षा कर रहा था कि यहां स्वामी नारायण मंदिर हो, वो आज यहां पर हुआ है। और बहुत शीघ्र और भी आस्था धर्म के मंदिर यहां बनेंगे। जितने मंदिर बनेंगे, जितना आध्यात्मिक धर्म सत्संग के लोग भारत की धरती पर आएंगे, कोटा की धरती पर आएंगे, ये कोटा की धरती आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की धरती है। यहां पर पढ़ने वाला देश भर का विद्यार्थी को जब इस शहर के अंदर आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति का संदेश मिलेगा, शाश्वत सत्य का संदेश मिलेगा, तो उसके जीवन में भी चरित्र निर्माण करने की एक व्यापक प्रेरणा मिलेगी। और ये जो मंदिर बन रहा है वो इस क्षेत्र में है, जो यहां पर दूर दराज के प्रदेश के विद्यार्थी यहां पर पढ़ने आते हैं, और जब वो मंदिर दर्शन करके अपने शिक्षण प्रशिक्षण का काम शुरू करेंगे तो उनमें आत्मविश्वास होगा, उनमें समर्पण होगा, और कभी भी कोई भी चुनौतियों से, कोई भी आपदा से, कोई संकट से लड़ने का धैर्य और साहस भगवान की कृपा से उनको मिलेगा। और इसीलिए जो अच्छा शिक्षण प्रशिक्षण वाला विद्यार्थी है और उसका गुरु है, वो अपना शिक्षण प्रशिक्षण मंदिर जाकर अपने काम को शुरू करता है, विद्यार्थी भी मंदिर जाके काम शुरू करता है, व्यापार करने वाला, नौकरी करने वाला, अन्य सर्विस सेक्टर में काम करने वाला, अगर मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर करेगा तो उसको जो आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, जो आध्यात्मिक साहस उसे मिलेगा, जो प्रेरणा उससे मिलेगी, उससे ज्यादा उत्साह से काम करेगा, नैतिकता से काम करेगा, सत्य के आधार पर काम करेगा, ताकि समाज में नैतिकता और सत्य आए,
यही धर्म के प्रति आस्था है। आज पुनः मैं इस मंदिर के लोकार्पण में, क्योंकि श्यामी नारायण मंदिर जहां भी होता है वहां पर समर्पण सेवा आध्यात्मिक मानव सेवा उनके पुण्य का काम होता है। हजारों शिष्यों ने अपने सारे जीवन को स्वामी नारायण जी के चरणों में समर्पित कर दिया, जो आध्यात्मिक संस्कृति की अलग भारत के अंदर दुनिया के अंदर जगा रहे हैं। मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं कि आप दूर दराज से यहां पर पधारे हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और ये मेरी धरती आध्यात्मिक संस्कृति की धरती है और आपने यहाँ मंदिर निर्माण कराया, इसके लिए मैं आपको उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम।